हम एक काम करने की सोचते हैं, करना शुरू भी नहीं करते, सिर्फ सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, और सामने से चार लोग आ जाते हैं रोकने के लिए। चार लोग आ जाते हैं तरह तरह की बातें करने के लिए कि ये नहीं हो सकता। अरे बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा आइडिया है, जब कोई नहीं कर पाया तो तू क्या करेगा? होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सबके साथ हुआ है और होता रहता है, और मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हुआ है, किसी के साथ कुछ ज्यादा ही हुआ है लगता है। लगता है उनको राह चलते भी मेट्रो में भी कोई मिलता है, अबे तू नहीं कर पाएगा चल। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में जो ऐसी बातें आपको बोल रहे हैं, ना तो आप उनका मुंह बंद कर सकते हो, ना अपने कान बंद कर सकते हो, क्योंकि वो लोग कोई राह चलते लोग नहीं होते, वो आपके अपने होते हैं, आपके अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके घर में हैं, आपके ऑफिस में हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप क्या करो ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि मैं क्या करता था। जैसे ही कोई बोलता था मेरे को, या आज भी अगर बोलता है कि ये नहीं हो सकता या तू ये नहीं कर सकता, तो मैं ना चुप रहता हूं, ना उनसे लड़ता हूं, मैं सिर्फ एक वर्ड में उनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक वर्ड में, क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं हो सकता। और जैसे ही मैं ये करता हूं, उसके बाद बहुत मजा आता है। आप कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके पास में इस क्यों का जवाब ही नहीं होगा, जवाब ही नहीं होगा। नहीं, वो सोच में पड़ जाते हैं। जैसे ही मैं पूछता ना क्यों, हाँ क्या, क्यों, ये कैसा सवाल है? तो ये है वो 90% लोग जिनके पास में कोई जवाब ही नहीं होता, या होता भी है तो वो इतना फनी होता है कि आप चाह करके भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे। अब बचे 10% लोग जिनके पास में जवाब होता है, एक जेन्युइन वजह होती है, मतलब वो आपको सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप नहीं कर सकते, वो आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई ऐसा मिलता है तो मैं उनके पास में जाकर के शांति से बैठता हूं, उनकी सारी बात को समझता हूं, फिर अकेले में जा करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेता हूं, और अपने पूरे दिल से उस इंसान को थैंक्स करता हूं, क्योंकि इनडायरेक्टली ऐसे लोग हमको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% लोगों की बातों को मैं ज्यादा सीरियसली लेता हूं, या अगर मेरे को उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि जवाब नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम चलना बंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घर से ये सोच करके निकले हैं कि जब सारी लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तब मैं अपने घर से निकलूंगा, तो निकल पाएंगे कभी? कोई भी ऐसा कुछ आपको बोलता है आकर के कि आप ये नहीं कर सकते, तो समझ लेना कि वो बोल तो आपको रहा है लेकिन उसका इशारा आपकी तरफ नहीं है, वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता। वो बस इतना सा कहना चाहता है क्योंकि मैं इस काम को नहीं कर सकता, या मुझे नहीं पता कि इस काम को कैसे करना है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता।